आज भगवान परशुराम प्राकट्य दिवस की पूर्व संध्या पर पट्टी अहिरान शिव मंदिर में अखिल भारतवर्षीय ब्राह्मण महासभा के तत्वावधान में भगवान परशुराम प्राकट्य दिवस कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कोरोना महामारी के चलते यह कार्यक्रम सीमित रूप में किया गया, गाइडलाइन का पालन किया गया। आज इस अवसर पर हमारे नगर के कमल कौशिक को भगवान परशुराम पुरस्कार से सम्मानित किया गया। भगवद गीता साल तुलसी माला और प्रतीक चिन्ह भगवान का परसा उसे भेंट कर उसको आशीर्वाद दिया गया। भगवान परशुराम विष्णु भगवान के छठे अवतार थे और त्रेता युग का प्रारंभ भी उनके जन्म दिवस पर हुआ था। भगवान परशुराम ने त्रेता युग में भगवान राम को अपना दिव्य धनुष दिया था और भगवान कृष्ण को दशरथ चक्र देने वाले भगवान परशुराम ही हैं। और ऐसी किद्वंती है कि भगवान परशुराम वर्तमान में भी भारत भूमि पर विचरण कर रहे हैं, ऐसा भी कई लोगों को आभास हुआ है। और सात चिरंजीवियों में भगवान परशुराम एक हैं। आज इस जयंती आज भगवान परशुराम प्राकट्य दिवस के उपलक्ष में अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा के द्वारा हमारे नगर के कमल कौशिक जी को भगवान परशुराम पुरस्कार से ब्राह्मण समाज की ओर से प्रदान किया गया। हम सभी इस बालक को आशीर्वाद देते हैं कि ये जो उन्नति करे और सदैव समाज और देश की रक्षा में अपना योगदान देता रहे। यही शुभकामना आशीर्वाद देते हैं। भगवान परशुराम जी का आशीर्वाद सदैव इस पर बना रहे। हरे हरे महादेव।